सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ जो हमने दसवें सर्ग में जो पढ़ा था, तो यहाँ एक दो प्रश्न खड़े होते हैं। पहले आप पूछें, आपका कोई प्रश्न है तो उसके बाद मैं पूछूंगी। फिर कोई प्रश्न आया आपके मन में पीछे वाले पाठ में? पूछो, दर दे दो उनको। बलवंत जी को माइक दे दो। ओम दीदी जी जी, ये लगभग एक डेढ़ महीना पहला का बात है। अच्छा, पर ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन। इसमें एक छूट गया था, ये ज्ञान अज्ञान रूपाय धर्म अधर्म रूपिणे विद्या अविद्याय रूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। इसका अर्थ प्रकाशित पार दीजिए ना दीदी। इसका अर्थ किमस्ति? प्रकाशित पार दीजिए, समझ में नहीं आया मुझको। प्रकाशित कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना नंबर श्लोक? ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया था शायद। ये 16 नंबर है, पृष्ठ संख्या है 35। एक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना पीछे वाले पाठ में, कि अविद्या भी और विद्या भी होने की है। 35 जी। कौन से श्लोक बता रहे हैं? 16 नंबर का। 16 जी। हाँ, यही तो दिया था आपको। ज्ञान ज्ञान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपेणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म विद्या अविद्या, ये सब जिनके अपने ही रूप हैं, जो सबके आत्म रूप हैं, उस परमेश्वर को प्रणाम है। तो यही तो दिया था कि अविद्या भी उन्हीं की है क्या, अधर्म भी उन्हीं का है क्या? तो आपको देना है इसका उत्तर। तो आप और कौन देंगे? बलवंत जी तो पूछ रहे हैं। आपको दिया था मैंने ये एक महीने पहले ही होमवर्क दिया था, क्योंकि अविद्या भी उसी की है, अधर्म भी उसी का ही है, फिर क्यों हटाना है जब सब भगवान का ही है? तो हाँ जी, आनंद जी जी बताइए, माइक दे दो भाई। ओ, ये ईशोपनिषद में आया है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदोभयं सह अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। तो विद्या को भी जानना, अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। तो अविद्या से मृत्यु को तर करके विद्या से, यानी कि पर और अपर की बात है। अधर्म भी बताया वहां, यहाँ पर इस श्लोक में अज्ञान ज्ञान दोनों, धर्म अधर्म। तो अज्ञान और अधर्म से क्या करेंगे हम? और ये भी ईश्वर का ही है ऐसे बताया, यानी कि सत्व रजस तमस से जो भी है उसका सबका आधार परमेश्वर है,
और अज्ञान अधर्म को जान करके उनसे उनको त्याग सकेंगे और धर्म और ज्ञान को अपना सकेंगे। नहीं, क्यों अपनाएंगे हम, क्यों त्यागेंगे? यहाँ कहा ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय ते नमः, 16 नंबर जो श्लोक है ना, ज्ञान अज्ञान स्वरूप वाले आपको, आप परमेश्वर को नमस्कार है। तो हटाएंगे क्यों उसको, वो तो स्वरूप ही है उनका, ज्ञान भी उनका स्वरूप है, अज्ञान भी उनका स्वरूप है। धर्मा धर्म स्वरूपेणे ते नमः ऐसे बोला। विद्या अविद्या स्वरूपाय स्वस्व रूपाय ते नमः। तो हटाने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, तो उन्हीं का ही स्वरूप है, दोनों उन्हीं का ही स्वरूप है। तो इसके ऊपर और चिंतन करना पड़ेगा। हाँ जी, और कोई किसी का चिंतन? योगेश जी, चिंतन करना चाहिए, याद याद थोड़ी करना, चिंतन भी तो करना है। तो इसके ऊपर और आज चिंतन करना, फिर कल इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? पराकाष्ठा है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, ये तो मैंने ही तो दिया था आपको प्रश्न, ये प्रश्न बिल्कुल सही उठता है। तो इसका, इसमें चिंतन करना पड़ेगा। अब तो काफी पढ़ा है आपने, तो मैं बताऊंगी तो फिर भूल जाएंगे। तो आपको चिंतन करना है कि कैसे उनको दोनों का ही स्वरूप कहा, और यदि दोनों उन्हीं के स्वरूप हैं तो हम इतनी साधना फिर कर क्यों रहे हैं? अविद्या को, अज्ञान को, अधर्म को हटाने के लिए ही तो सारा कर रहे हैं, कठोर व्रतों का पालन, तो फिर तो क्यों करना है? यहाँ तो स्पष्ट ही कह दिया, ज्ञान अज्ञान स्वरूपाय ते नमः, धर्मा धर्म स्वरूपेण ते नमः ऐसे कह दिया। तो ये तो इस पे कल करेंगे, कल वाले पाठ में अभी जो पढ़ा है, हाल ही में जो पढ़ा है, उसमें से कोई प्रश्न आ रहा है आपको? उस दिन कुछ तो प्रश्न आ रहे थे, उसी को थोड़ा सा उसमें और प्रश्न निकल रहे हैं जो उस दिन आप पूछ रहे थे ना, यहाँ से कुछ मैंने भी पूछ रही थी। यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि जैसे ये बचपन से ही अपने पिता के पास रहे हैं, आश्रम में रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और अभी युवा हो गए हैं, तो निश्चित रूप से शास्त्र आदि तो पढ़े ही होंगे, तो इसलिए तो ब्रह्मवेत्ता तो हैं ये, आत्मवेत्ता भी हैं ऋषि श्रृंग, इसीलिए तो उनको लाने के लिए इतने उपक्रम किए जा रहे हैं कि उनके आने मात्र से ही वृष्टि हो जाएगी। तो जिन्होंने वेद शास्त्र दर्शन आदि सब पढ़ा है, तो क्या उन्होंने भगवान की सृष्टि के बारे में नहीं पढ़ा होगा? पुरुष कैसे होते हैं, स्त्रियां कैसे होती हैं, तो ये सब क्या उनको शास्त्र की दृष्टि से, शब्द ज्ञान से मालूम नहीं था? होना चाहिए ना। और वन में रहते हैं, तो जैसे उस समय वो वन से निकले, अपने आश्रम से निकले, ऐसे कभी तो पहले भी निकले ही होंगे, अनायास से तो नहीं निकल सकते। तो जब कभी पहले निकले होंगे, तो वनचर को और जो उस वन में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनको तो देखा ही होगा कम से कम। भैया तो ये व्यक्ति ऐसे हैं, बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, तो फिर इनको शास्त्रवेता नहीं मान सकते हैं। और यदि उन्होंने पूरा शास्त्र पढ़ा है, तो शब्द प्रमाण से तो मालूम ही है ना फिर इनको, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, बचपन से अखंड ब्रह्मचारी और फिर गणिकाओं के साथ मित्रता हो जाती है, और ये भी बताया बिल्कुल स्पष्ट श्लोक में कि मिलते समय नमस्ते नहीं करते हैं, आलिंगन करके वो दूर, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो गणिकाओं का स्पर्श करने से जो अखंड ब्रह्मचारी है, तो क्या उसका तप भंग नहीं हो गया? और तप भंग हो गया तो फिर उस व्यक्ति को तो वहां ले जाने का फायदा ही नहीं है इतने सम्मान पूर्वक, और वो भी वहां जा करके वृष्टि हो जाती है, तो जिसका तप भंग हो गया वो किसी क्रिया की सिद्धि कैसे कर सकता है? प्रश्न खड़े होते हैं ना, तो आपके मन में क्यों खड़े नहीं हुए? तो यहाँ इसका उत्तर यही है
कि यद्यपि ये उस तरह से कहीं शहर में या कहीं ऐसी जो विकसित जो बस्तियां हैं वहां तो नहीं गए ये, तो हो सकता है वन में रहने वाले कभी महिलाओं को देखा भी हो, नहीं भी देखा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन शब्द प्रमाण से तो सब जानते हैं, इनके पिता भी जानते हैं, ऋषि हैं ना, तो ऋषि कोई मतलब अज्ञानी थोड़े ही होते हैं, जान तो होता ही है ना उनको सब। अरे माता जी को मत देखें तो भी जान तो होता है ना। जो चलो हो सकता है माता जी इनके साथ नहीं, उनका कोई वर्णन नहीं है, जो बचपन में ही चली गई हो छोड़ के वो हो सकता है, मैं अलग बात कह रही हूँ। महर्षि दयानंद तो शादीशुदा नहीं थे, अखंड ब्रह्मचारी हैं, इतनी छोटी उम्र में तो निकल गए थे वो, लेकिन तो भी उन्होंने गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए, कितना बारीकी से बताया, कितना सूक्ष्मता से बताया, कैसे 16 संस्कारों के बारे में बताया। तो ज्ञान एक अलग चीज होती है, तो इनके पिता ने इनको ज्ञान तो करवाया ही है सब चीजों का। तो यहाँ पर फिर भी ये उनसे गणिकाओं से मिलते हैं, उनके साथ जाते हैं, उसके बाद भी वृष्टि हो जाती है। अगर ये हमारी जो बुद्धि का स्तर है, इस स्तर की यदि ये बातें होती तो निश्चित रूप से इनको गुस्सा आना चाहिए था उन महिलाओं को देख करके, या वो उनको लेके गए तो इनको भी गुस्सा आना चाहिए था कि आपने हमारी तपस्या भंग कर दी, पूछ रहे थे ना एक दो उस दिन। इनके पिता को भी गुस्सा आना चाहिए था कि कौन लोग आ गए, मेरे ऐसे ब्रह्मचारी पुत्र को उठा के ले गए, ऐसे कौन ले जा सकता है भाई, वो ऐसे थोड़ी शांत बैठेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है, ये चल रहा है ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि, दिव्य दृष्टि वाली बात, जो कई बार महाराज जी भी बोलते हैं, एक दिव्य ज्ञान वाली जो बात गीता में भी आई है। आप लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो अर्जुन ने जो कुछ किया वो तो बड़ा खूंखार घनघोर कर्म है, अपने ही आचार्यों को, अपने ही दादा को, अपने ही पूज्य जनों को मृत्यु के घाट उतार देना, और पाप ना लगे व्यक्ति को, वो व्यक्ति बोले कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा स्थितोस्मि गतसन, ये कैसे हो सकता है, इतना पाप करके एक मर्डर करे तो पूरी जीवन जेल में बीतती है। इन्होंने इतने सारे लोगों की हत्या की और उसके बाद कह रहे हैं कि मैं स्थितोस्मि, और वो भी कह रहे हैं कि जिसको मार दिया उसका आपको कोई पाप नहीं लगेगा, ये कैसे हो सकता है। तो ये प्रश्न उठते हैं ना, विरोधाभासी लगते हैं हमें, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो सब जगह जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, जिसको सब जगह ब्रह्म दिखाई देता है, तो ऐसे जो योगी होते हैं वो त्रिकाल दृष्टा हो जाते हैं। तो इनको भी सब मालूम है कि अभी क्या होने वाला है। वैसे भी ये ब्राह्मण है, जब इतने वेद वेदांग इन्होंने पढ़ लिए हैं, और राजा की जो कन्या है शांता वो तो क्षत्रिय कन्या है, तो ब्राह्मण को क्षत्रिय कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, मतलब आज वाली उसको छोड़ देना, अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतरजातीय विवाह संस्कार। तो वो जन्म से तो नहीं, लेकिन गुणों से तो यही है ना कि वो जो ब्राह्मण प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, उनको ब्राह्मण गुण कर्म स्वभाव वाली कन्या से ही विवाह करना चाहिए, तभी तो वो सहयोग करेगी उसके कार्यों में, जाति की बात नहीं हो रही है। तो इनको ये भी पता है, लेकिन उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं, तो इनको भी पता है, इनके पिता को भी पता है, और जिनको दिव्य दृष्टि मिल गई है तो उनकी दृष्टि में फिर ये पुरुष स्त्री ऊंचा नीचा उच्च कुल में पैदा होने वाले गणिका ये सब नहीं होता है, ये पता लग रहा है यहाँ पर। और उनसे उन व्यक्तियों का वो ऐसे काम भी कर देते हैं ना जो लोक दृष्टि से लगता है कि ये तो पाप हो गया, लेकिन वास्तव में वो पाप की श्रेणी में नहीं आता, पाप उनके उस तप को नष्ट नहीं कर सकता है, पाप में वो ताकत नहीं है। इसलिए जैसे ही वो वहां राजधानी में पहुंचते हैं तो वृष्टि होने लगती है,
उनका, उनके तप का, उनके पुण्य का नाश नहीं होता है उनको स्पर्श करने से। लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो सारा ही सत्यानाश ही हो गया, पुण्य खत्म। अर्जुन ने जब अपने ही लोगों के ऊपर हथियार चला दिए तो शास्त्र तो ये कहता है कि अपने से जो बड़े हैं यदि उनको आपने तू कह के भी बुलाया ना तो आपने उनकी हत्या कर ही दी। मतलब उनका, उनको अपमान करना, उनको एक वचन में बुलाना, ऐसे आता है महाभारत में शांति पर्व में, एक वचन में उनको बुलाना, उनको तू कह करके बुलाना, उनको अभिवादन आदि न करना, उनका अपमान करना, यही उनकी मृत्यु है। और ये तो बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो लौकिक दृष्टि से तो ये बिल्कुल विरुद्ध कर्म, पाप कर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको कोई पाप नहीं लगेगा, वो खुद भी कह रहे हैं। तो जब एक चेतना की स्थिति जो है वो ब्रह्मवित जब हो जाता है, उसकी जो दिव्य दृष्टि हो जाती है, तो वो बाहर से देखने में तो वो लौकिक क्रियाएं करता है, लेकिन वास्तव में वो चेतना के स्तर पर उन सब क्रियाओं से ऊपर उठ चुका होता है। तो क्रिया वो कुछ करता है तो भी ना करने जैसा ही है, और कुछ क्रिया नहीं करता है तो भी सब कुछ करने जैसा ही है। ये भी परस्पर विरोधी बात है। सूर्य कोई क्रिया नहीं करता है, द्युलोक में बस अपने स्थान के ऊपर स्थिर है, वो चमक रहा है, लेकिन तो भी पूरी पृथ्वी पे जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सब सूर्य ही कर रहा है। यदि सूर्य ना हो तो एक भी क्रिया संपन्न ना हो पृथ्वी की। ये है कुछ भी न करते हुए सब कुछ करना, इसी को ही अकर्म कहा है गीता में। और एक होता है सब कुछ करते हुए कुछ भी ना करना। तो योगी बहुत कर्म करते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज जैसे जो संत पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, तो वो बाह्य दृष्टि से देखें तो खूब सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन वो अपनी चेतना में उनको देखें तो वो बिल्कुल शांत रहते हैं। इसी क्षण भी उनको जाना पड़े तो तैयार रहते हैं वो। तो ये दो स्थिति होती है, सब कुछ करते हुए कुछ भी न करने जैसी स्थिति, कुछ भी न करते हुए सब कुछ करने जैसी स्थिति। एक उदाहरण स्वामी जी का है, सब कुछ करते हुए ना करने जैसी स्थिति, आनंद में रहने वाली स्थिति। एक डोमेट वाले स्वामी जी हैं, बड़े वाले स्वामी जी, कुछ नहीं करते हैं लेकिन सब कुछ वो ही कर रहे हैं वहां, जो भी हो रहा है। वहां स्कूल भी चलाते हैं, कुछ छोटी मोटी सेवाएं भी करते हैं, दूसरे आश्रम की भी जो एक्टिविटी चलती है तो वो सब कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं, लेकिन दिखता क्या है, कुछ नहीं करते। कुछ न करते हुए सब कुछ करना, सब कुछ करते हुए कुछ भी नहीं करना। तो ऐसे ही ये इनका भी प्रसंग है, इनके पिता को भी मालूम है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसे कौन उनके आश्रम में आकर के, मतलब ऐसे कोई, वो तो त्रिकाल दृष्ट है, उनको तो पता लग ही जाता है, इनको भी ऐसे कौन बहका सकता है, और कैसे वहां जा सकते हैं। जिस व्यक्ति को ये पता है कि भाई मैं तो, मेरा आश्रम के सिवाय मुझे बाहर नहीं निकलना है, और ऐसे ही यदि हरियाणा की भाषा में बोले बावड़े होते तो कई बार आश्रम छोड़ छोड़ के जा चुके होते, आज तक क्यों नहीं गए, तो आज कैसे जा सकते हैं। तो इनको मालूम है ये सब घटनाक्रम आगे का, तो इसलिए वो उसको कर रहे हैं, ये इसका उत्तर है। और उनके कुछ लौकिक दृष्टि से हमें ये दिखे कि ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं, इनके तो सारे पुण्यों का ही नाश हो जाएगा, तो उनके पुण्यों का नाश नहीं होता है। जिसको एक बार दिव्य दृष्टि मिल गई, एक बार जिसने अपने अज्ञान का नाश कर दिया, एक बार जिसने अपने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, तो फिर उसको कोई नया संस्कार नहीं बनेगा। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि वहां नगर में आते ही वृष्टि हो जाती है, तो इससे पता लगता है कि उनके पुण्यों का कोई क्षय नहीं हुआ, पुण्य नष्ट नहीं हुए उनके। ठीक है, अब आगे चलें।
तो आगे ये कह रहे हैं कि ये कथा यहीं समाप्त नहीं की थी महर्षि सनत कुमार जी ने, तो वो अपने ऋषियों को इस आगे भी बता रहे हैं। आगे उन्होंने बताया था कि इक्ष्वाकु कुल में एक सुधार्मिक दशरथ नाम के राजा होंगे, सत्य प्रतिश्रव, सत्य में प्रतिष्ठित, सत्य प्रतिज्ञा वाले, सुधार्मिक। धार्मिक भी पर्याप्त था, उसके आगे भी सु लगा दिया, माने अत्यंत धार्मिक राजा पैदा होंगे। तो उस दिन भी मैंने बताया था कि ये जो राजा दशरथ हैं, ये पिछले जन्म में कौन हैं, मनु महाराज हैं, और इनकी जो पत्नी है माता कौशल्या, शत्रुपा थी वो। तो आगे इन्होंने बताया कि उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी और उनकी शांता नाम की एक कन्या होगी, जो औरस पुत्री तो इनकी है लेकिन दत्तक पुत्री इनकी होगी, अंगराज की होगी। ये उनके पास जाएंगे, पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्य रोमपाद इति श्रुतः। तो ये रोमपाद नाम के जो राजा हैं, इनके यहाँ दशरथ जाएंगे और उनसे कहेंगे, अनापत्यो अस्मि धर्मात्मन, मैं पुत्रहीन हूँ, शांता भर्ता मम क्रतुम आहरेत। इसलिए जो शांता के पति हैं अर्थात ऋष्यशृंग, उनको आप आज्ञा दे दीजिए, मेरे मम क्रतुम, मेरा यज्ञ संपन्न करवाने के लिए उनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। क्यों करना चाहते हैं वो यज्ञ? संतानार्थम कुलस्य च, संतान उत्पत्ति के लिए और इक्ष्वाकु कुल की रक्षा के लिए, क्योंकि पुत्र होगा तो ही कुल की रक्षा होगी। यहीं तक ही पढ़ा था ना जी, चलिए आगे चलते हैं। श्रुत्वा राज्योऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान् प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सतं कामं द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः। तो अब रोमपाद राजा ने सुना, श्रुत्वा राज्यं अथ तद्वाक्यं मनसा च विचिन्त्य, और मन में सोच करके विचार करके, और कहा प्रदास्यन्ते, आपको दे देंगे, पुत्रवन्तं शांता भर्तारम आत्मवान, आपके साथ भेज देंगे ऋषि श्रृंग को। वो कैसे हैं? पुत्रवंतः, पुत्रवान हैं। तो ऐसे भी माना जाता है कि जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो ऋत्विक भी पुत्रवान ही होना चाहिए। विद्या की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ कराने वाला भी कैसा होना चाहिए? विद्यावान ही होना चाहिए, तभी तो करवा पाएगा। बल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो करवाने वाला भी बलवान होना चाहिए, उसकी महिमा को जानने वाला होना चाहिए। आत्म प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ का जो ब्रह्मा है वो भी आत्मवान होना चाहिए, तो तभी वो संपन्न करवा पाएगा। तो ऐसे ही जैसे विवाह शादी होता है ना, तो उसमें उसको कन्या को कुछ कर्म कांड जो करने होते हैं, तो उसमें उन्हीं महिलाओं से करवाते हैं जिनके पति की मृत्यु नहीं हुई, सुहागिन जो महिलाएं, क्योंकि उसी के लिए वो पूजा कर रही है, पति प्राप्ति के लिए। तो जब पहले ही पति से युक्त महिलाएं हैं, उन्हीं से वो सब कर्म करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये विशेषण डाला, पुत्रवंतम। उन्होंने कहा ठीक है, पुत्रवान शांता के पति, आत्मवान पति को, आत्मवान मतलब इससे भी पता लग रहा है कि वो कैसे हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं। आत्मवान और आत्महत्यारा दो शब्द हैं, तो आत्महत्या करने वाला आत्महत्यारा, और आत्मा को के उत्कर्ष को बनाए रखने वाला आत्मवान।
तो आत्महत्या क्या है? शरीर को मारना आत्महत्या नहीं है, वो शरीर हत्या है। कोई फांसी लगा के या जहर खा के ऐसे मर जाते हैं ना जान पूछ करके, तो वो आत्महत्या नहीं, वो तो शरीर हत्या है। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या तो हम लोग रोजाना करते हैं, अपनी आत्मा की जो प्रेरणा है उनका हम हनन करते रहते हैं। हमारी आत्मा कहती है कि अच्छे से पढ़ाई करो और हम प्रमाद करते हैं, तो ये आत्महत्या करना है। हमारी आत्मा तो कहती है कि ज्ञानी बनो, बलवान बनो, करुणावान बनो, सब अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आत्मा देती है, और हम वैसा नहीं करते हैं। कभी स्वार्थ के कारण, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, जो भी नेगेटिव वर्ग है उनमें से कोई ना कोई आ जाता है कभी ना कभी, उसके कारण हम नहीं कर पाते हैं। इसको क्या कहेंगे? आत्महत्या। और इनका विशेषण क्या है? आत्मवान। तो पूर्ण आत्मवान, आत्मवान का मतलब 24 घंटे एक बार भी प्रमाद ना करे, उसको कहेंगे आत्मवान। और 24 घंटे में एक बार भी प्रमाद ना करे, ऐसी स्थिति किस व्यक्ति की हो सकती है? आत्मवेता और ब्रह्मवेता की हो सकती है। वहां पर उपाय बताया ना, विवेक ख्याति अविप्लवा, एक बार भी वो इधर उधर ना हो विवेक ख्याति, वो हान का उपाय, जीवन मुक्ति का वो उपाय। तो एक क्षण भी इधर उधर जिसकी मति ना हो वो तो आत्मवेता ही हो सकता है, ब्रह्मवेता ही हो सकता है। साधक तो कभी ना कभी त्रिगुण में से कभी ना कभी थोड़ा या ज्यादा चपेट में आ ही जाएगा, जो त्रिगुणातीत हो गया, जिसने गुणों को भी जान लिया और गुणों के पार जो आत्म तत्व या परमात्म तत्व है उसकी भी जिसको अनुभूति हो गई, तो फिर उसका कोई चांस नहीं है नीचे आने का या गुणों में लिप्त होने का, एक बार जिसने जान लिया। तो एक बार भी नहीं जाना है यदि, सुना है यदि हमने, तो फिर हम धोखा खा सकते हैं। जिन चीजों का हम इसमें लोक के उदाहरण भी देख सकते हैं, लौकिक दृष्टि से हमें जिन चीजों का पक्का ये पता हो गया है एक बार कि ये खाने से मृत्यु हो सकती है, उसको हम कभी भी नहीं खाएंगे। और हमने उसको देखा नहीं कभी, केवल सुना है और वो चीज हमारे सामने रखी है, तो हम धोखे से उसको खा सकते हैं। प्रतिगृह्यच तम विप्रम स राजा विगत ज्वर आहरिष्यति तम यज्ञम प्रहृष्टेनांतरात्मना। तो जब उन्होंने कहा कि भेज देंगे आपके साथ, तो ये प्रतिगृह्यच तम विप्रम, उस विप्र को पा करके, उस विद्वान को अपना ब्रह्मा के रूप में पा करके, स राजा विगत ज्वर, वो चिंता रहित हो गई। ज्वर मतलब चिंता,